सोलन में एचपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। समापन समारोह में वन परिवहन तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत और भाजपा नेता राजेश कश्यप भी मौके पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता काफी रोमांचक रही और फाइनल शिमला और मंडी के बीच खेला गया। सोलन में एचपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। समापन समारोह में वन परिवहन तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत और भाजपा नेता राजेश कश्यप भी मौके पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता काफी रोमांचक रही और फाइनल शिमला और मंडी के बीच खेला गया। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में पहले शिमला की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन फिर मंडी ने स्पिनर बॉलिंग कर दो विकेटों को झटक कर राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता की ट्रॉफी को और नगद इनाम पर कब्जा जमा लिया। इस मौके पर वन परिवहन तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। नए नए नियमों और योजनाओं के तहत हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले। वहीं उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में साहसिक खेलों को प्रमोट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो युवा नशे में फंस रहे हैं उन्हें निकालने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे तथा साथ ही नशे का काला कारोबार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जहां तक सरकार का प्रश्न है तो सरकार हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनेकों तरह से प्रयास कर रही है। एक तो जो खेल हमारे हैं, चाहे फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, इन सब खेलों के लिए भी, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स है उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में खेलों का मूलभूत ढांचा ये खड़ा हो, और इसलिए हमने कहा है कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छे मैदान और अच्छे प्रकार के वहाँ पर खेल का ढांचा तैयार करना। और साथ में यह है कि हमारा एक और प्रयास है, यह है कि हम लगभग हर ग्राम पंचायत स्तर तक बच्चों को अच्छे जिम इत्यादि बना करके दें। से जो नशे के कारण से एडिक्ट हो गए हैं, तो अब यह है कि हम सरकार के माध्यम से ये भी प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को ऐसे ही छोड़ देना वो भी उचित नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अच्छे नशा मुक्ति केंद्र प्रदेश में हम जगह जगह पर स्थापित करने वाले, ताकि उनका इलाज भी हो। और दूसरा, जो लोग इस नशा के जो इस प्रकार के जो सप्लायर हैं, जो ऐसे स्मगलर्स हैं, उन पर कानूनी दृष्टि से भी जितना सख्ती कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। और इसके बाद हम एक्ट में भी चेंज करने वाले हैं और किया है कि भाई अगर जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो। और इसकी रोकथाम के लिए जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, इन बॉर्डर एरियाज़ को विशेष तौर पर हमको बहुत मुस्तैद करना है, और अभी हमने किया भी है। और लगातार आप देख रहे हैं कि भाई जयराम ठाकुर जी की सरकार बनने के बाद नशे का कारोबार करने वाले लोगों की धरपकड़ जारी है, और इसको और तेज करेंगे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।